हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। सो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सागर सॉफ्ट कंपनी के बारे में, जो कि एक अच्छी खासी कंपनी और जो मेन जो कंपनी है, जो कारोबार है, फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकल बेसिस पर आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो कि नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी का कारोबार कौन से सेगमेंटेशन के अंदर है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर अगर मैं कंपनी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जिस तरह से डिस्क्रिप्शन लिया, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, बट मैं कंपनी का जो सीधा साधा जो यहाँ पर हमने कंपनी फ्रंट पेज पर देखने को मिल रहा है, वो है कंपनी सागर सॉफ्ट की। हमने यहाँ पर वेबसाइट ओपन की है ऑन माय प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिजिटल डायस। सो यहाँ पर जो कंपनी है, जो कारोबार है, वो कौन से चार सेगमेंटेशन कंपनी के क्या पिलर्स है, तो वो सबसे पहला है कंपनी का डेटा, डेट इज डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी यहाँ पर जो है डेटा एक्वायर करती है, और उसके बाद जो है सेकेंड है एप्लीकेशन, डेट इज डी ए, एप्लीकेशन से हो गया कंपनी जो डेटा अवेलेबल होता है उसके ऊपर क्या अप्लाइड करेगा, कंपनी को जो डेटा होता है उसको अप्लाई करती है, राइट। और उसके बाद है आई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उस डेटा को लेके जो रिस्पॉन्सिव, जो इंटेलिजेंस, जो वर्क होता है वो यहाँ पर करती है, और उसके थ्रू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये पूरा, ये जो तीन प्रोसीजर है उसके ऊपर जो कवर करना पड़ता है वो होती है सिक्योरिटी, तो वो होता है एस ए, दैट इज डी ए आई एस, डाइस करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे जो पिलर्स है यहाँ पर मैं कंपनी देखने को मिले, और काफ़ी रिस्पॉन्सिव जो है यहाँ पर इस कंपनी बिजनेस देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बोलूँ तो इस कंपनी के जो मेन जो ऑफिसेज हैं वो इंडिया के साथ साथ में न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में भी इस कंपनी जो है यहाँ पर हमें बिजनेस सेगमेंटेशन देखने को मिले हैं। सो दैट इज ऑल्सो गुड एडवांटेज टू इन्वेस्ट राइट अवे इनटू दिस कंपनी। ये कंपनी जो है चार सेक्टर में काम करती है, कैपिटल मार्केट की केस स्टडीज है, लाइफ साइंसेज, फाइनेंशियल सर्विस, एज वेल एज जो हेज फंड छोड़ते हैं उसके अंदर भी यहाँ पर जो है कंपनी के जो है मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर चलते हैं। तो ये तो बात हुई कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के बारे में अगर हम फंडामेंटली अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टडी करना, तो सबसे पहले इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है वो है 133 करोड़ का ही इस कंपनी का जो है यहाँ पर हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी को एक जो है स्मॉल कैप स्टॉक ज़रूर बना देता है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.2%। हालांकि इतना ज़्यादा जो है आईटी बेस्ड कंपनी का, यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जिस तरह से मैंने आपको बोला, तो ज़्यादा इतना डिविडेंड यील्ड नहीं है, बट फिर भी काफ़ी जो है स्टैग्नेंट वे में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बीटा निकल कर रहता है 0.00, जो कि यहाँ पर जो है इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग ये शेयर जो है ट्रेड नहीं करता है, तो यहाँ पर हमें जो है ये इंडिकेट कर रहा है। करंटली अगर मैं शेयर को इसके इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी कंपेयर करता हूँ, तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग निकल कर रहता है 40.98। अगर उसके मुकाबले अगर वो शेयर को कंपेयर करते हैं तो अच्छे खासे प्राइस टू अर्निंग मिल रही है 23.28 के प्राइस अर्निंग पे जो है करंटली ये शेयर जो है सागर सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और प्राइस टू थोड़ा बहुत वैल्यूएबल जरूर है, बट फिर भी प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे शेयर यहाँ पर अब जो है ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल दो यहाँ पर अगर आपको पता होगा पहले से कि 19% की जो तेजी थी अपर सर्किट ऑलमोस्ट इस शेयर में लग चुका था प्रीवियस सेशन के अंदर, तो उसके हिसाब से भी हम रिकमेंडेशन रहेंगे कि बाइंग रेंज क्या हो सकती है। बुक वैल्यू निकल कर आती है शेयर की 43.5 रुपीज़। कंपनी के यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर जो कंपनी फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी रॉबस्ट देखने को मिल रहे हैं। इवन इन दैट इज कोविड सिचुएशन 2020 में यहाँ पर जो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जरूर हुई है, बट 2021 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द मार्च यहाँ पर जो कंपनी रेवेन्यूज है उसके अंदर फिर से आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें यहाँ पर आपको जो है फिर से तेजी देखने को मिली है। सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट एडवांटेज दैट द कंपनी इज बीन ग्रोइंग एंड बीन वर्किंग इन द गुड सेगमेंटेशन। बट फिर भी यहाँ पर पिछले तीन क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह के परफॉर्मेंस दिया है, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर जरूर फोकस करने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम इस कंपनी का कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर 47.1%। हालांकि अगर ये मोर देन 50% होता तो काफ़ी जो एडवांटेज वाली बात होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती थी, बट DII का इस कंपनी में निवेश है 6.46%। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं, थोड़े बहुत कॉर्पोरेट्स होते हैं, तो उन लोगों के इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 46.43%। सो ओवरऑल बेसिस पर यहाँ पर जो कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। ऑल दो प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% होती तो एक पॉजिटिव बात यहाँ पर हमें देखने को और ज़्यादा जो है एडवांटेज बात देखने को मिल सकती थी। अब हम यहाँ पर कंपनी का जो है रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर जो है पिछले तीन क्वार्टर में किस तरह के जो है परफॉर्मेंस दिए हुए हैं।
तो सबसे पहले जो मार्च 2021 के अंदर यहाँ पर जो कंपनी टोटल इनकम थी वो थी 11 करोड़ रुपीस, और उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 1 करोड़ रुपीस का। जून 2021 के अंदर भी यहाँ पर कंपनी जो टोटल इनकम थी वो थी 11 करोड़ रुपीस, और उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी ने 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है। इवन इन द सितंबर 2021 कंपनी की यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर बढ़कर हो चुकी थी दैट इज 13 करोड़ रुपीस, और उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी ने 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। सो यहाँ पर जो है कंपनी जो है स्टैग्नेंट वे में जो है परफॉर्मेंस काफी अच्छा दे रही है। यहाँ पर हमें जो है कंपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी ज्यादा कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये सिग्निफाई क्या करता है कि मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर ग्रोथ आपको तभी देखने को मिली जब कंपनी जो भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी उसमें आपको आपको जो है थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। 1 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, सो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपीज तक का जो है कंपनी नेट प्रॉफिट करे। कंपनी जो भी टोटल इनकम है उसके अंदर यहाँ पर अगर 1 या 2-3 क्वार्टर में अगर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है तो भी मेरा से काफ़ी अच्छा खासा जो है इंडिकेशन हो सकता है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियोज। सो रिटर्न रेशियोज के अंदर सबसे पहला जो रेशियो यहाँ पर हमें देखने को मिला ऑन स्क्रीन वो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो ये हमें बता कि कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर यहाँ पर कंपनी ऑन ए नियरली बेसिस पर कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 29.56%, मार्च 2020 के अंदर 10.45%, और मार्च 2021 के अंदर फिर से यहाँ पर जो है कंपनी का ROE परसेंटेज जो है बढ़कर हो चुका है 19.83%। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का ROC परसेंटेज इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये मैं बता था कि कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी कैपिटल है दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी ईयरली बेसिस पर किस तरह का जो है रिटर्न कमा रही है। तो वो है इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 41.36%, मार्च 2020 के अंदर 12.23%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 23.39% का जो है कंपनी का ROC परसेंटेज देखने को मिला है। सो यहाँ पर जो कंपनी रिटर्न रेशियो से काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है ऑन स्क्रीन एज वेल एज यहाँ पर ROA कंपनी का जो है दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो यहाँ पर जो है कंपनी का ROA परसेंटेज वो मार्च 2019 में था 24.73%, मार्च 2020 के अंदर 8.67%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 15.64% का जो है कंपनी का ROA परसेंटेज देखने को मिला है। सो यहाँ पर कंपनी रिटर्न रेशियोज काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। लेवरेज रेशियोज में अगर हम यहाँ पर कंपनी का कंपेरिजन करें तो कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर कंपनी ने 2019, 2020, 2021 के अंदर भी कोई डेट नहीं लिया है, तो मेरे आपसे डेट टू इक्विटी कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं, कंपनी डेट फ्री है। तो ये भी मेरे आपसे काफ़ी अच्छी बात है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, IT बेस्ड कंपनी है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो है कंपनी के बिजनेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। सो यहाँ पर जो है कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करें तो अभी नियरली इसने 302 रुपीज़ का हाई बनाया था और करंटली चल रहा है 208 पे, दैट इज़ ऑलमोस्ट 19.98% की जो है यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली है। सो अगर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहता है तो मेरे से एक अच्छी खासी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें देखनी चाहिए शेयर के अंदर। इस कंपनी के अंदर पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा जो है अप ट्रेंड यहाँ पर हमें शेयर के अंदर देखने को मिल सके। ऑल तो रिकमेंडेशन नहीं रहेगी इस कंपनी में निवेश करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर जो है अगर कोई बड़ा प्लेयर जो है कंपनी का मार्केट कैप कम है तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आपको जो है भटकाया भी जा सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स तो यहाँ पर अच्छे लग ही रहे, बट फिर भी यहाँ पर अगर आप निवेश करो तो यहाँ पर आपको जो है आपको जो स्टॉक्स है उसका प्राइस जो है ऑन चार्ट आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यूसली बेसिस पर। सो अगर आपको सागर सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर जो है शेयर एनालिसिस यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, तो यहाँ पर आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।